मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये बहुत ध्यान से देखें। डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को पता ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी, तो क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू। ओके, मतलब पहले फंक्शन ऐसे का ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फंक्शन, पता है ना। अब इंटीग्रेशन में देखिए आप, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और फिर जो ये ब्रैकेट लगाया मतलब कि जो ये आएगा इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, एक बार फिर से समझिए, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है और उसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो u है मतलब फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज करेंगे, जो सेकंड फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको v मतलब dx, ओके सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन इस तरह। इज दैट क्लियर? अब मैंने बताया था कल भी आपको कि भाई फर्स्ट फंक्शन क्या, किस रूल के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन को डिसाइड करें कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग, तो मैंने वो रूल बताया था आपको आई लेट, आई एल ए टी ई, आई लेट के अकॉर्डिंग जो आई होता है मतलब सबसे पहले किसको मानना है, हाँ ये होल इंटीग्रेशन है बेटा, मतलब पूरे जो ये आएगा फंक्शन इसका हमें पूरे का इंटीग्रेशन करना है पूरे का, इसलिए मैंने बिग ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आई रेट को समझिए बेटा, आई रेट क्या है, आई रेट का मतलब पहला जो आई है इसका मिक्स होता है इनवर्स फंक्शन, क्या इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मिक्स आप जानते हो, साइन इनवर्स एक्स tan inverse x cos inverse x ये सब आप जानते हो। L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, L means लॉगरिथमिक फंक्शन। A का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये मुद्दे क्या है, इसको कैसे लेंगे, देखो बेटा अगर दो फंक्शन गिवन है, जैसे ये गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो, कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो, इसके अकॉर्डिंग मतलब इनवर्स वाला फंक्शन, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, आई लेट के अकॉर्डिंग आई पहले आया हुआ है। इज दैट क्लियर? आई का मतलब इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x ऐसे, हाँ आई लेट के अकॉर्डिंग मानेंगे बेटा। L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब एलजेब्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन तो आपको पता ही है जो लॉग वाले फंक्शन होंगे वो, A का मतलब एलजेब्रिक, एलजेब्रिक का मतलब है जैसे x की पावर n वाले, x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 5 x की पावर 10 3x स्क्वायर या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी तो वो सब आ जाएंगे एलजेब्रिक फंक्शन में, राइट है। उसके बाद टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सब जानते हो साइन कोस टेन कोट ये सब आप जानते हो। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन कौन आएंगे,
ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये जो फंक्शन है ये आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई अगर एक्स साइन इनवर्स एक्स है तो किसको पहले मानेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स को। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आई ना? अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? नोट करिए बेटा, आईलेट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बेटा, आइडेंटिफिकेशन किसी फंक्शन की नहीं हो पा रही है आपसे तो भी मुझे बता देना। ओके, अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से कर लिया ना बेटा तो आने वाले जो चैप्टर है वो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी, ठीक है ना? एक तरह से बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी, तो बहुत आराम से पढ़ना बहुत अच्छे से। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बताया आपको सॉल्व करते रहना, कोई डाउट आएगा तो आप जरूर पूछना, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, यहां पे पहले लिख लीजिए आई ने, ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन बताइए किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन आप किसको लेंगे आई लेट के अकॉर्डिंग? हाँ, एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, बिल्कुल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो बस स्टार्ट करते हैं, ये u हो गया, ये v हो गया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता ही है आपको। यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, बार बार जरूरत पड़ेगी, अभी आपको याद भी नहीं हुआ होगा। u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन फिर डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और फिर होल डी एक्स, ठीक है? ऐसी रखो, बस वैल्यू में फिट कर दो इसको, रख दीजिए वैल्यू में। तो ये क्या आ जाएगा भाई, x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है ना? बड़े आराम से समझो, माइनस ऑल इंटीग्रेशन dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx और फिर होल इंटीग्रेशन। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ आया ना? बिल्कुल, बहुत आराम से समझो, x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस डी डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है? तो यहां से जो वैल्यू मिलने वाली है वो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का हो जाता है माइनस कोस x, साइन x का माइनस कोस x, ओके? माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वन इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स और फिर डी एक्स, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां पे सी हम एक साथ ही ऐड कर लेंगे बेटा, मुझे पता है यहां से भी सी आएगा, यहां से भी सी आएगा, तो जो सी आएगा ना कॉन्स्टेंट हमारी वो एक साथ सी लगा देंगे हम लास्ट में अपने आंसर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो एक्स यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स और ये आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो आएगा माइनस आई की वैल्यू एक्स कॉस एक्स और ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स प्लस सी, यही है अपॉन। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, आंसर चेक करिए और डाउट है तो पूछिए। सीधी सीधी सी बात है, बस पहले आप इसके गो थ्रू हो जाइए, इसको सीख लीजिए अच्छी तरह, फिर बहुत सिंपल आपको ये लगेंगे, बहुत सिंपल लगने वाले हैं, ठीक है ना? कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चेक योर आंसर,